एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस आज है जन्माष्टमी। कुछ लोगों ने कल की जन्माष्टमी बनाई है, मगर आज हमारे घर आज बनेगी, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। और कल से इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि बता नहीं सकती हूँ। और मैं आई हूँ छत पे, मैंने कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि बाहर जो और से उसमें सीधा बारिश का पानी आ रहा है ना, एकदम से पता है, एकदम से चमक सी नहीं होती वो पड़ रही, तो आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो ऊपर आई हूँ कपड़े डालने के लिए, अंदर डोरी बंधी हुई, इस टाइप का ग्रीन कलर का ये वो लगा हुआ छत, वो छप्पर बोलते हैं इसको, तो वो डला हुआ है। तो कपड़े सुखाऊंगी मैं भी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी कल से ठंडक हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और मैं आई हूँ छत पे तो बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकती हूँ। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज जन्माष्टमी के लिए। पता है हमारी दीदी कह रही मुझे राधा बनाना, मैंने कि ठीक है देखते हैं, वो बोल देती है मगर बनती कुछ नहीं है। फिर उसको क्या होता है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये चुभ रहा है, मेरे को वो चुभ रहा है, उसके बड़े नाटक हैं। तो गाइस नाटक उसके चलते ही रहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े सुखा लूँ। और आज है जन्माष्टमी का फास्ट, तो फास्ट रखा है मैंने, और फास्ट इस समय इतने काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं। आज जन्माष्टमी का हो गया, कल गुरुवार का हो गया, फिर शुक्रवार का हो गया, तीन फास्ट लगातार पड़ेंगे मेरे इस बार। तो चलिए अभी चाय वगैरह मैंने पी ली है, दोबारा से चाय पी, और पेठा रखा था मैंने, थोड़ा सा पेठा खाया है अभी, थोड़ा सा चक्कर से आने लगे थे। मखाने का भी नमकीन बनाऊंगी, मखाने का नमकीन बना के रख दूंगी, तो फिर इतना कुछ नहीं लगेगा। तो फटाफट से कपड़े डाल लूँ, फिर मैं जाऊंगी नीचे। और सब पूछ रहे थे कि मेरे हवी ने क्या दिया गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में, तो वो आप लोगों के संग आज शेयर करूँगी, क्योंकि वो गिफ्ट अभी तक आया नहीं था, मगर वो आज आ गया है। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मेरे हवी ने मेरे को गिफ्ट में क्या दिया है। सॉरी, आज नहीं, मेरे बर्थडे पर, मगर वो आया नहीं था, मंगवाया था, मगर वो आज आया है जन्माष्टमी वाले दिन। और एक चीज़ और आई है, वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, ठीक है? तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ चल रही हैं सारी तैयारियाँ शाम के भोग के लिए। तो गोपाल जी के लिए बन रही हैं गुजिया, पपड़ियाँ, और जो बेसन की पपड़ियाँ होती हैं वो भी बन रही हैं। आप लोग बताइए कि पपड़ियाँ बोलते हैं आप लोग, हम लोग पपड़ियाँ ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, पूड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये बन रही है खोई की गुजिया, और अनार से भी बन रहे हैं, मगर वो मुझे बनाना नहीं आते। और मोना, ये गुजिया है ना, मोना ने बनाई है, तो ये बन रही है गुजिया, ये शाम के भोग में लगेगी, सिंपल सा खाना बनेगा उनका। तो बस वही तैयारियां चल रही हैं। और देखिए कितना हौच पौच हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश जब होती है ना, तो घर में ऐसा लगता है कि कितने सारे काम बढ़ गए हैं। तो गाइस देख सकते हैं हॉल में नया टीवी लग गया है, और ये स्मार्ट टीवी है, ये भी मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला है, तो बस वही चेक कर रहे थे ये। और जो इन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो लास्ट में बताऊंगी मैं आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा कि इन्होंने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। तो हॉल में टीवी नहीं था, रूम में ही टीवी था, तो हॉल में टीवी लगाया है, स्मार्ट टीवी है ये, तो ये मैं ब्लूटूथ वगैरह से भी कनेक्ट कर सकती हूँ। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी ब्लॉग वगैरह देखने में, तो मैं काम करते करते ब्लॉग भी देखती रहा करूँगी। और ये चल रही है रिद्धिका की स्केचिंग, और ये नाइट का सीन है, देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी है, टाइम हो रहा है अभी 11 बज चुके हैं, और इयररिंग देखिए मैंने चेंज कर लिए हैं, कैसे लग रहे हैं। तो बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और
और मैं चलती हूँ रूम की तरफ जहाँ तैयारी वैयारी अभी हुई नहीं है, बच्चे लोग करेंगे अभी थोड़ी देर, तैयारी हुई हमारे यहाँ तैयारी के नाम पे जीरो है अभी, क्योंकि तैयारी होने जा रही थी तो सिद्धू अन्नी ने सारा कबाड़ा कर दिया। और दिन में जो गुजिया बनाई थी ना वो देखिए कितनी सारी गुजिया सिद्धू ने तोड़ डाली, उसने एक उठा के भी खा ली और उसको बड़ी पसंद आई तो उसने दो तीन गुजिया तोड़ भी डाली, अब उनको समझ थोड़ी ना आती नहीं है। और ये देखिए झूला निकल चुका है लड्डू गोपाल जी का और भोग लग चुका है, अभी बस इनको जब 12 बज जाएंगे तो उनको कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे। और कपड़े देखिए ये रखे हैं सारे, ये रखे हैं कपड़े और बर्तन, तो भोग लग चुका है और अब तो बस मेन भोग है, लड्डू गोपाल बैठ चुके हैं, बैठ जाएंगे तब भोग लगेगा, अभी भगवान जी को भोग लगा है, ऊपर आरती हो चुकी है और 12 बजे आरती होगी और फिर कृष्ण जी का जन्म होगा, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे भी कृष्ण जी का जन्म करेंगे। और देखिए क्या क्या करते हैं आज, कुछ करो कुछ हो जाता, सोचा तो बहुत कुछ था मगर नहीं हो पाता है। और मैं बाहर पोर्च में आके खड़ी हूँ, सब लोगों ने चेंज वगैरह किए तो कपड़े वगैरह धो रही थी क्योंकि रात को ही कपड़े धो लेते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह क्या होता है बारिश का मौसम है, वैसे भी क्या होता है गर्मी रहती है ना तो रात को कपड़े धो लो ना तो सुबह बड़ा इजी गोइंग रहता है, जिससे कि कपड़े वगैरह सुबह सूख जाते हैं अच्छे से तो फोल्ड हो जाते हैं, तो सुबह बड़े काम वैसे बहुत बड़े काम रहते हैं। ये देखिए कल से दूने मेरे यहाँ पर दे दी, इतनी ज़ोर से लगी है, तो बस कपड़े वपड़े धो के फिर करेंगे हम पूजा की तैयारी, फिर नीचे ले चलूँगी आपको, नीचे भी दिखाऊँगी और ऊपर तैयारी हो रही है वो भी करूँगी, बैलून वगैरह सब फुला के रख दिए हैं, बस मोना को फ्री करूँगी मैं, जब अंदर जाऊँगी तो मोना फ्री होगी, फिर वो जाके तैयारी करेगी, थोड़ी बहुत ही तैयारी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सारी तैयारी हमारी आज हो गई है फेल, क्योंकि बच्चों ने सब कबाड़ा कर दिया, बैलून देख के बच्चे बावरे हो जाते हैं पागल हो जाते हैं, तो हमने कैसे कैसे उनको छुपा के रखा है, उनने तो आधे से ज़्यादा फोड़ भी डाले जब वो छोटे थे ना, तब बड़ी अच्छी तैयारी करी थी, अब वो इतने शैतान हो गए तो उनके सामने ऐसी चीज़ें करो ना तो वो बचने नहीं देते हैं ऐसी चीज़ें, और बैलून देख के तो बच्चे वैसे ही बावरे हो जाते हैं। और अभी आ चुकी है हमारी रिद्धि, तो रिद्धि का आउटफिट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हाय हाय, कैसे देखिए हमारी रिद्धि कैसी लग रही है, आज इवनिंग गाउन पहना है उसने बड़े दिनों बाद, जब लिया था ना पहली बार पहना है उसने, जब लिया था ना तो बड़ा लंबा था फिर पूरा फिट है, वैसे भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मगर बहुत सुंदर लग रहा है। और लाइक ज़रूर करना कोई कर ही नहीं रहा है लाइक आई विश ऐसा ही हो। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिल, तो बच्चों को आजकल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो अपने आप में सब सीख जाते हैं। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉग को, और ये ब्लॉग जो है वो कल ही जाएगा, आज तो नहीं जाएगा, कल ही जाएगा मॉर्निंग में, तो ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग को और प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और वीडियो को पूरा देखो, पूरा नहीं तो केवल 4 मिनट तो देखो, बहुत लॉस हो रहा है, आपका भी नुकसान है मेरा भी नुकसान तो हो ही रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत कर रही हूँ मगर आप जिस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना तो बहुत बेकार लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए जिससे कि मेहनत करूँ मैं, और मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, मेरे को पता है 2 ट्विंस हैं, उनको भी देखना रहता है, ब्लॉग भी बनाना रहता है, एडिटिंग भी करनी रहती है, सब कुछ मुझे ही करना रहता है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ मुझे ही पता है, तो थोड़ी सी कदर करो मेरी थोड़ी सी कदर करो। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आप तो कुछ सुन गुन तो नहीं रहे हैं, चलो मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद, तैयारी वैयारी करते हैं फिर पूजा पाठ की, ठीक है। गुच्छा हो गई अनु, गुच्छा हो गई अनिया, गुच्छा हो गई, आई
देश कद देश पिलत की तो पिलत की सो गाइज यहाँ चल रही है हमारी अनिका की मस्ती और इतनी मस्ती चल रही थी जितने भी बैलून फुलाए थे वो इन्होंने नहीं लगाने दिए क्योंकि इनको इनसे खेलना था। तो जितनी भी तैयारी हो पाई आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और ज़रूर बताना, थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन किया हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी ब्लॉग है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ फ़ोटो सेशन भी चल रहा है और ये पूजा की तैयारी चल रही है, और अनिका और सिद्धांत को इतना मज़ा आ रहा था, ये फैलाने को दे दो वो फैलाने को दे दो, इधर से कुछ खींच रहे थे उधर से कुछ खींच रहे थे, बाप रे बाप, परेशान करके छोड़ दिया इन्होंने। उन लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, भोग लगाया तो उसी में से उन्होंने कोई पूड़ी उठा के ले जा रहा है कि कुछ कर रहा है। अब बच्चे हैं इनको अंदर तो रख नहीं सकते हैं, तो इन्जॉय कर रहे थे, और ये कान्हा जी की ड्रेस पहना रहे हैं। तो बस थोड़ी देर बाद जन्म हो जाएगा, फिर आरती होगी। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और कृष्ण जन्म हो चुका है और आप भी दर्शन कर लीजिए, और ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ी देर में हम नीचे जाएंगे जस्ट आरती करके, तो नीचे के भी दर्शन करा देंगे हम आप लोगों को, और आप भी दर्शन कर लीजिएगा। तो ये देखिए लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये नीचे का सीन है, और अब हो चुकी है सुबह। और गिफ्ट जो जिसका इंतज़ार आप लोगों को था कि क्या मिला मुझे गिफ्ट में, तो देख लीजिए मेरे हबी ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। तो मैं रात को काफ़ी मिल तो रात को ही गया था, मगर काफ़ी थक गए थे, 3:30 बज चुके थे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने कहा सुबह ही खोलेंगे, और रिद्धि सो गई थी तो वो रिद्धि से ही खुलवाना था हमको। तो सुबह रिद्धि को जगाया, रिद्धि उठो गिफ्ट खोलना है, तब तक मैंने भी नहीं खोला, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। तो ये देखिए ये है लैपटॉप, आसूस का लैपटॉप है, और इसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफ़ी दिन से थी, और लैपटॉप तो मुझ पे था मगर उस सीरीज का नहीं था, तो काफ़ी दिन से मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत ही प्यारा लैपटॉप, और मेरे भाभी को बहुत सारा थैंक यू, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और इस बार मुझे बड़े अच्छे गिफ्ट मिले हैं, हैंड फ्री मिला, फ़ोटो फ्रेम मिली बड़ी वाली, और टीवी स्मार्ट टीवी मिली गई है इस बार तो मेरी चांदी चांदी हो गई। तो गाइस ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा लैपटॉप कैसा लगा, और मैं बड़ी खुश हूँ आज कि मुझे को इतना अच्छा गिफ्ट मिला। तो तब अब मैं क्या बोलूं, तो चलिए फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, और आप भी बताइएगा कि मेरा गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।